हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट वन अर्बन सोशियोलॉजी, और उसका टॉपिक ही व्हाट इज़ अर्बन सोशियोलॉजी है। बेसिकली हमें समझना है कि अर्बन सोशियोलॉजी होती क्या है। तो ये अर्बेन और अर्बन दोनों वर्ड जो है वो लैटिन के वर्ड अर्बिनस से निकला है, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू सिटी। आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो, सिटी के आप हिस्सा हैं, आप किसी सिटी के मेंबर हैं, ठीक है। अर्बेन जो वर्ड है वो एक हमें चार वो बताता है, इसका मतलब स्पेशलाइज, रिफाइंड, पोलाइट और एलिगेंट, ठीक है। यही कैरेक्टरिस्टिक एक सिटी का, एक शहर का होता है। और यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, हिंदी मीडियम वाले भी मार्क कर ले। अर्बन का मतलब होता है कि डायरेक्टली ऑपोजिट, किसी भी गांव से बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो अर्बन होता है। और जो गांव के लोग होते हैं हम उनको फोक बोलते हैं, और जो शहर के होते हैं उनको अर्बनाइट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जो सिटी है वो 10,000 ईयर्स अगो आ गई थी। हमारे यहाँ भी हड़प्पा मोहनजोदारो सिटीज ही थी इतनी पुराने समय में। और लेकिन साइंटिफिक इंटरेस्ट कुछ 100 सालों पहले शुरू हुआ। और अर्बन सोशियोलॉजी तो बहुत ही न्यू है, 20th सेंचुरी में अर्बन सोशियोलॉजी डेवलप हुई है। पहली बार किसी लेखक ने जब सिटी के बारे में, शहर के बारे में बात किया था, तो वो इटालियन जिओनी बेंट्रो थे, ठीक है। ये समझ लीजिए कि सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, समाजशास्त्रीय नहीं है, केवल लेखक है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था डेले कॉस डेला ग्रांजिया डेला सिटा, जो कि 1598 में लिखा था। और इसको इंग्लिश में फिर पब्लिश किया गया, ट्रांसलेशन करके ऑफ कोर्स, 1806 में, जिसका नाम था अ ट्रीटीज कंसर्निंग कॉज ऑफ मैग्निफिसेंस ऑफ एंड ग्रेटनेस ऑफ सिटीज, ठीक है। कोई साइंटिफिक बुक नहीं थी, जर्नल बातें इसमें की गई थी। उसके बाद एक मोनोग्राफ छपा, जो कि पहले पहली में हम कह सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट थे जो सिटी के बारे में बात किए, वो थे रेन मॉर्नियर, और जिनकी बुक का नाम था ले ओरिजिन एताला फंक्शन इकोनॉमिक ए दस विला। बेसिकली इन्होंने एक इकोनॉमिकल स्टडी की थी, मतलब अर्थशास्त्र पे इन्होंने स्टडी की थी सोसाइटी की, मतलब सिटी की, शहर की, कि शहर का अर्थव्यवस्था कैसे चलती। कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी नहीं थी, कोई सामाजिक मतलब उन्होंने बातें नहीं की थी ज़्यादा, ठीक है। थ्री क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जी सेम्यूल, इन्होंने भी बुक लिखी है द मेट्रोपॉलिटन एंड मेंटल लाइफ, मैक्स वेबर ने लिखी है द सिटी, एंड आर वॉर्नर ने लिखी है ल विलेज एटेल विला, ठीक है, 1929 में। ये तीन मेजर आप नाम याद रख सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट का जिन्होंने लिखा है। हॉसरमैन और हेलिया का मानना है कि जो जॉर्ज सेम्यूल थे वो फर्स्ट अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे। रीज़न इसका ये है कि उन्होंने अर्बन वर्ड को फर्स्ट टाइम डिफाइन करने की कोशिश की थी कि शहर क्या होते हैं, या अर्बन शहरी क्या जगह होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन कैसे होता है, लोग बिहेव कैसे करते हैं, और शहर और गाँव के बीच में जो आर्थिक व्यवस्था है वो कितनी डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ई पार्क ने भी एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द सिटी, ठीक है, और वो पब्लिश हुआ अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 1915 में, ठीक है, 1915 में। लेकिन इसको ज़्यादा अटेंशन लोगों ने नहीं दिया। रीज़न ये था कि सोशियोलॉजी उस टाइम पे बहुत ही जर्नल साइंस थी, कुछ खास इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आया था, लोग ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे, बहुत फेमस नहीं था, ठीक है। उसके बाद अर्बन सोशियोलॉजी को रिकॉग्निशन 1925 में मिली, 10 साल बाद उनके इनकी बुक छपी थी 1915 में रॉबर्ट ई पार्क की। लेकिन 1925 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है वो मीटिंग करने लगी अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में। वहाँ पे लोग अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट, अर्बन सोशियोलॉजिस्ट या अर्बनोलॉजिस्ट आते और अपने पेपर्स वो करते। इन्हीं के पेपर्स को ईडब्ल्यू बर्जीज ने एक बुक द अर्बन कम्युनिटी में 2 वॉल्यूम में छापा था। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं किसी भी टॉपिक पे, तो बहुत अलग अलग लोगों ने अपने रिसर्च वहाँ प्रस्तुत करते, तो उन्हीं रिसर्च को ये छापते थे। उसके बाद मैकनीज ने भी 2 वॉल्यूम छापी, 1 वॉल्यूम छापी द सिटी के बारे में जिसमें पेपर्स थी।
ये लोग फाउंडिंग फादर्स थे पार्क और बर्जीस, ठीक है। और इन्हीं के स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में थे, जिन्होंने वेल नोन स्कूल एक बना दिया जो शिकागो स्कूल ऑफ अर्मोसोशियोलॉजी है, बहुत ही फेमस है। यहाँ से बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं और बहुत सारे डिस्कशन होता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सोशोलॉजी अपने आप में बहुत ही यंग था, मतलब 1920 में तो पहली यहाँ पर डिपार्टमेंट खुली है, तो बहुत ही यंग हमारे यहाँ के लिए सब्जेक्ट था। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला था प्रोफेसर पैट्रिक गेदोस ने, ठीक है। इन्होंने उसके बाद स्टडीज की 50 अर्बन सेंटर्स की, मतलब 50 शहरी सेंटर्स, दिल्ली चंडीगढ़ इस टाइप की, और 2 वॉल्यूम्स छापी जिसका नाम था टाउन प्लानिंग टुवर्ड्स सिटी डेवलपमेंट फॉर इंदौर इन 1918, ठीक है। लेकिन इससे भी हमारे देश में अर्बन सोशियोलॉजी का फाउंडेशन नहीं हो पाया, हमने नींव नहीं डाल पाए अर्बन सोशियोलॉजी की, क्योंकि सोशियोलॉजी अपने आप में सब्जेक्ट बहुत नया था, ठीक है। 1960 के बाद, 1960 तक हमने सोशियोलॉजी के बारे में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 1960 के बाद सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे स्पेशली, थोड़ी आने लगी। इसका रीज़न MSA राव बताते हैं कि 2 रीज़न है। फर्स्ट ये है कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन कम हुआ है, शहरीकरण या इस टाइप की जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत कम हुई हैं अन्य देशों के कंपेरिजन में। और दूसरा रीज़न ये है कि जो ट्रेडिशनल सिटीज़ और विलेजेस हैं उसमें जो लोग हैं या जो एलिमेंट है उनके रहन सहन सभ्यता का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब बहुत डिफरेंस आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं फैल पाया। उसके बाद अगर सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप की बात करें तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।